among the believers, प्रेम भाई का नाम शायद जानने वाला बहुत ही कम होगा। मैंने बहुत सुना है प्रेम नाम ही प्रेम, और प्रेम से इन्होंने पूरा दुनिया को जीत लिया, आलू का दिलों को हृदय को जीत लिया। मैं कहूँगा प्रेम भाई जी नो बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन, प्रेम भाई बिलोंग टू द ह्यूमैनिटी। जैसा अंग्रेजी में हम कहते हैं सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, यही है। दो दिन की जिंदगी यहां हम जीने आए हैं, सिंप्लिसिटी के साथ कितना साधारण जिंदगी इन्होंने बिताई। शायरी बदन में पहने के लिए खास कपड़े भी, जिस दरबार में सोते थे बता रहे हैं, मैं तो देखा नहीं हूं कभी, बल्कि जो रबर का चप्पल पहन के और हर समय ऑल द टाइम स्माइलिंग फेस, मैं हमेशा द रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज इन द स्टेट अरुणाचल एंड स्पेशली हमारे बेल्ट में मिशी करती हूँ, शिक्षा को आगे बढ़ाने में आप लोगों की जो कंट्रीब्यूशन है, द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द मिशनरीज, वी डू एक्नोलेज बिकॉज ऑफ यू द फर्स्ट एजुकेटेड पीपल ऑफ आर कम्युनिटी, दे स्टडीड इन मिशनरी स्कूल्स, दे वर इंस्पायर्ड बाय यू एंड दे ओपन द आईज ऑफ द सोसाइटी। टुडे वी आर एमर्जिंग, हमारा एजुकेशन आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ही दिन पहले किसी ने बता रहा था कि पहले जैसा हमारा संजय शाह ने बोल के गए, हमारे जो रिवेंज फीलिंग बदला लेना, किसी गाड़ी के एक्सीडेंट हो जाती है उसका फाइन करना, कोई हाथ टूटता है हाथ को हाथ का बदले हाथ चाहिए, पाँव के बदले पाँव चाहिए, आँख के बदले आँख चाहिए, ये धीरे धीरे ये खत्म होना चाहिए ना होते जा रहा है। शिक्षा के साथ कुछ दिन पहले किसी ने हमें बताया कि आजकल कुरुंगू में जो के बोलता लोग कहते कथाकथी, तो बोलते वहाँ आज का कथाकथी नहीं है, वो कागज कलम है, के मीन्स कागज एंड कलम। आज हमारे जो औरतों को भी देखते हैं, बहुत से हमारे जो कुरुंगू में से बिलोंग करते हैं, ग्राद आदि से बिलोंग करते हैं, हमारे सड़कों में इटान और नारून के बीच कहीं भी देखिए पूरे सब्जी बिक्री कर रही है, कुछ बिक्री कर रहा है, अपना अपना एवरीवन इज एंगेज, हाउ दे आर मैनेजिंग अपना एक लिविंग मैनेज कर रहे हैं विद द लीगल आर्मीज, डिग्निटी ऑफ लेबर, मेहनत करके। दिस इज एन इंस्पिरेशन, दिस इज एन इंस्पिरेशन इज वेरी इंकरेज। प्रेम भाई वाज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू इंटायर ह्यूमैनिटी, चाहे हर धर्म के लोग कोई भी किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, यही हमेशा ये पर्पज होना चाहिए, यही मोटिव होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि हम मानव से जाति की सेवा करें, प्रेम को बढ़ाए, भाईचारों को बढ़ाए, हारमोनी। हमारे जो संविधान में हम एक सेकुलर देश है, जिस प्रकार संविधान लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंटे सॉवरेन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये सेकुलर वर्ड शब्द जो हमारे संविधान में है वो हमेशा बचाए रहना है। इस देश के अंदर कोई भी धर्म हो, सब धर्म एवरी धर्म बिलोंग्स टू अस, दैट फीलिंग हमें होना आवश्यक। लोग के लीडर होने के नाते अभी तक इस आश्रम के लिए मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैं सच में बता रहा हूँ,
और आप इतने शंदर में कितना कितनी सिया हो रहे हैं, हमसे जो भी मदद हो सकेगा हम मदद करने कोशिश करेंगे। हमारी जो सरकार राज्य में जो सरकार चल रही है, एक छोटा भाई पेमा खंडू यंग डायनेमिक एक अरुणाचल को कैसे आगे ले जाना है, उनका दिल बहुत बड़ा है मुझे मालूम है। जो भी होगा वो आप उनको मदद करेंगे अरुणाचल को आगे ले जाने में, अरुणाचल के शांति के लिए, जैसा ताओ तेरिंग साहब ने कि शांति के लिए, इस राज्य के शांति के लिए, लोगों के शांति के लिए, देश के लोगों के शांति के लिए जो आप लोग पूजा के लिए प्रेयर किया, बहुत ही अच्छा चीज़ है। ऐसा हमेशा बनाए रहे, आपस में कोई भेदभाव ना हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये हमेशा ऐसा करके अरुणाचल को वी शुड मेक अरुणाचल नंबर वन स्टेट इन द कंट्री। मैं अंत में मुझे यहाँ हेमा भाई के साथ, मुख्यमंत्री के साथ आपने यहाँ बुला के दो शब्द कहने दिया, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सबों से कहना चाहूँगा, आप अगर प्रेम भाई से प्यार है तो जो रास्ता प्रेम भाई ने दिखाते गए हैं, जो उनकी जो सोच विचार था उसको आपको पालन करना पड़ेगा, उनके रास्ते पर चलना पड़ेगा, तभी जाके उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। और मुझे मालूम है प्रेम भाई शारीरिक रूप से आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन प्रेम भाई हमारे बीच में है। इस विश्वी क्लास हम जो कह रहे हैं, शायद हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमें ये विश्वास करना ही हुई दास नाव इस रिशिंग टू एवरीथिंग, उनके विचार पर, उनके दिखाए हुए रास्ते पर हमें चलना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री यीशु, प्रे द लॉर्ड। थैंक यू।